सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में हमने थोड़ी धरती पांव नामक कविता के प्रश्नों को, उसके उत्तर को हमने लिखा था, उसकी चर्चा की थी और उसे जाना था। हमने थोड़ी धरती पांव थोड़ी धरती पांव नामक जो कविता थी, सबसे पहले हमने उसके मौखिक प्रश्नों की चर्चा की थी, उसके उत्तर को समझा था। उसके बाद हम लोग लिखित प्रश्न जो थे उनके उत्तर को जाना था, उसकी चर्चा भी की थी और इसके अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों को भी समझा था। बच्चों, इसी क्रम में आज हम इसी प्रश्न अभ्यास के जो दूसरा प्रश्न है, सोचो और लिखो, इसकी चर्चा करेंगे और इसके उत्तर को जानेंगे, समझेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों को भी हम जानेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा प्रश्न है, सोचो और लिखो। सोचो और लिखो, सोचो से हमारा तात्पर्य है, सोचो और लिखो से हमारा तात्पर्य है कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें विचार करके, सोच समझ के और उसके बाद हमें इसके उत्तर को लिखना है और उन्हें जानना है। तो जैसा कि हमने कविता को अच्छी तरीके से पढ़ा था, उसके भावार्थ को समझा था, उसके अंतर्गत आने वाले जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थों को भी जाना था, उनका कैसे वाक्यों में प्रयोग होता है इसको भी हमने समझा था और जाना था। तो पहला प्रश्न है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। सोचो और लिखो के अंतर्गत जो प्रश्न संख्या क है उसमें यह पूछा गया है कि तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। बच्चों, हमने इसकी चर्चा कविता को पढ़ने के दौरान की थी कि पेड़ पौधे और हमारा वातावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना आवश्यक है कि हमारे वातावरण में संतुलन बना रहे। तो कविता को पढ़ने के दौरान हमने इसे समझा था। तो प्रश्न यह कहता है, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो हम पेड़ों को बचाने के लिए जागरूकता ला सकते हैं, लोगों के अंदर जागरूकता फैला सकते हैं, पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं, उन्हें लोगों को यह बता सकते हैं, लोगों को यह ज्ञात करा सकते हैं कि पर्यावरण का शुद्ध होना कितना आवश्यक है और पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, पर्यावरण का संतुलित रहना कितना आवश्यक है और हम लोग प्रदूषण को भी दूर कर सकते हैं, अपने चारों तरफ साफ सफाई रख सकते हैं, हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण फैल रहा है उस पे रोकथाम लगा सकते हैं और इस प्रकार विभिन्न तरीकों से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसे संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि असंतुलन देखने को मिल रहा है पर्यावरण में, चारों तरफ पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, हमारे चारों तरफ जो बाग बगीचे हरियाली है उसकी संख्या कम होती जा रही है, तो इसे हम विभिन्न प्रकार से रोक सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, हम पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों को
बचाने के लिए हम पेड़ों को बचाने के लिए लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता जागरूकता फैला सकते हैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं तथा पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा हम इसके अलावा हम अपने चारों तरफ अपने चारों तरफ हम अपने चारों तरफ इसके अलावा अपने चारों तरफ पेड़ पौधे तथा बाग बगीचे लगा सकते हैं। ठीक है, हम पेड़ों को बचाने के लिए लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं तथा पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं। यदि हम पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है और इसे हमें हरा भरा रखना है, इसे संतुलित रखना है, इसे बना कर रखना है, तो इस प्रकार से वे जागरूक होंगे, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और वे पेड़ों को नहीं काटेंगे तथा इस प्रकार से हम पेड़ों की कटाई पे विराम लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरह हम बढ़ते हैं।
दूसरा प्रश्न कहता है, कवि ने सभ्यता को वाशी क्यों कहा है? कवि ने सभ्यता को वाशी इसलिए कहा है, वाशी मतलब होता है असभ्य होना, असभ्य से तात्पर्य है जिनको अपने चारों तरफ घटित हो रही घटनाओं का एहसास नहीं हो, जिनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो, जिनके अंदर जागरूकता नहीं हो, जो पेड़ों को काटते हों, जो पर्यावरण को दूषित करते हों, तथा जो अपने पर्यावरण तथा अपने चारों तरफ के वातावरण की रक्षा न करते हों, ऐसे लोग वाशी हैं, ऐसे लोग असभ्य हैं। तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, कवि ने सभ्यता को वासी इसलिए कहा है क्योंकि कवि ने सभ्यता को वाशी इसलिए कहा है, वाशी इसलिए कहा है, क्योंकि आज मानव समाज क्योंकि आज मानव समाज असभ्य तथा वाशी बनकर वाशी बनकर पेड़ों को काट रही है, तथा अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए कहा है क्योंकि आज मानव समाज असभ्य तथा वाशी बनकर पेड़ों को काट रही है तथा अपने पर्यावरण को अपने वातावरण को अपने वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो नुकसान नुकसान पहुंचा रही है, कवि ने आज की जो सभ्यता है, आज का जो मानव समाज है, उसे वासी इसलिए कहा है क्योंकि आज सभ्यता पेड़ पौधों को काट रही है, बाग बागीचों को उजाड़ रही है और वह अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका उत्तर जाना, कवि ने सभ्यता को वाशी इसलिए कहा है क्योंकि आज मानव समाज असभ्य
तथा वशी बनकर पेड़ों को काट रही है तथा अपने वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, पेड़ों और बच्चों में क्या समानता है? तो जैसा कि हमने इसकी चर्चा की थी कि पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं, बच्चों के मन में कोई कल छपट नहीं होता, उनका मन और दिल साफ होता है, जैसे वे दूसरों के लिए आनंद का स्रोत होते हैं वैसे ही पेड़ पौधे भी दूसरों के लिए आनंद का स्रोत होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखते हैं, उत्तम स्वास्थ्य, हमें उत्तम स्वास्थ्य, हमें उत्तम स्वास्थ्य तथा आनंद हमें उत्तम स्वास्थ्य तथा आनंद प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी मन और दिल से ठीक उसी प्रकार से बच्चे भी मन और दिल से साफ होते हैं और दूसरों को खुशियां देते हैं दूसरों को खुशियां देते हैं
प्यारे बच्चों, इसका उत्तर अभी और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन सीमित शब्दों में, सीमित वाक्य में हम इसे समझते हैं कि बच्चे जिस प्रकार से मन के, दिल के साफ होते हैं, उनके मन में कोई भी कल छपट की भावना नहीं होती है, वे हमेशा दूसरों को खुशियाँ देते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करना सबको अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे पेड़ पौधे और बाग बगीचे हमें उत्तम स्वास्थ्य देते हैं, एक अच्छा वातावरण देते हैं, उनके होने से हमें बहुत ही लाभ होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन प्रश्नों की चर्चा की, इन्हें जाना, इसके उत्तर को लिखा। अगली कक्षा में हम इसके आगे आने वाले, जो इसके आगे आने वाले वाले प्रश्न हैं, उनकी चर्चा करेंगे, उसके उत्तर को जानेंगे। ठीक है, अगली कक्षा में हम पुनः इसके आगे जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे और विस्तार से उन्हें समझेंगे, उसके उत्तर को हम लोग लिखेंगे। धन्यवाद।